हेलो गाइस, देखिए आज है मम्मी का फास्ट और नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है। अभी मैं बना रही हूँ खिचड़ी। आज खाने में मैं, दीदी और पीहू और यस्सू हैं। मम्मी का फास्ट है आज। मैं बना रही हूँ देखिए ये वाली खिचड़ी जो उड़द दाल और चावल की बनती है। पीहू को भी और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली खिचड़ी। उसके लिए देखिए यहाँ पे कटा है प्याज और लहसुन। इसमें मैंने डाला है घी और डाल दिए थे 2 तेज़पत्ता और 2 बड़ी इलायची। जैसे ये थोड़ा सा गर्म हो गया है वैसे अब मैं डाल दूँगी इसमें प्याज और लहसुन। इसे हम अच्छे से भून लेंगे। देखिए इसे हम अच्छे से भून लेंगे। देखिए इसे अच्छे से भून लेंगे प्याज और लहसुन को। ये है बड़ी इलायची जो आपको दिख रही है, 2 बड़ी इलायची मैंने डाली है इसमें। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इसकी, क्योंकि ये घी में है, लहसुन और प्याज घी में भून रहा है। देखिए इसको हम अच्छे से भून लेंगे। जब ये भून जाएगा फिर हम डाल देंगे जो हमने चावल और उड़द दाल भिगा के रखी है उसे हम डाल लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे नमक, हल्दी और मिर्च। बस इसके अलावा हम कुछ भी नहीं डालेंगे। हमारी खिचड़ी बनके तैयार। देखिए जो उस दिन मैंने घी बनाया था ना, 1 किलो पूरा, 1 किलो का डब्बा है, 1 किलो पूरा घी बना था। ख़त्म होने वाला ही है, अब थोड़ा सा ही बचा है। देखिए ये घर का घी है, कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है, बिल्कुल येल्लो येल्लो कलर। अभी मलाई और हुई है, अब मैं बनाऊंगी मलाई का घी। थोड़ा सा घी में ना प्याज लहसुन वगैरह फ्राई करने में टाइम लगता है। मैं आपको दिखाती हूँ अपनी मलाई। चलिए देखिए अभी मलाई इतनी ही हुई है। जब ये थोड़ा सा 2-4 दिन बाद भर जाएगा ना, उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी घी। हमारे घर में ना ज़्यादा रोटी वगैरह पराठे वगैरह में घी ज़्यादा ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि मैं पराठे में बहुत ही कम घी लगाती हूँ। जैसे घी किसमें ख़त्म हो जाए, जैसे दाल वगैरह बनती है, कभी खिचड़ी बन गई, पुलाव बन गया, इसी चीज़ में ज़्यादा घी ख़त्म होता है। रोटी में मुझे ज़्यादा घी अच्छा नहीं लगता है। इसके पापा के लिए मैं पराठे बनाती हूँ तो बहुत ही कम घी का इस्तेमाल करती हूँ पराठे में। देखिए प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है, थोड़ा सा हम इसको और ब्राउन होने देंगे। उसके बाद डाल देंगे हम इसमें चावल और उड़द दाल। इसका पानी हम अच्छे से निकाल लेंगे। इसको मैंने पहले नहीं भिगाया। अगर आप चाहें तो इसे 10 से 15 मिनट के लिए भिगा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। पीयू की क्लास थी, जैसे क्लास ख़त्म हुई नहलाने धुलाने के बाद मैं नीचे आ गई। मैं तुरंत ही बना रही हूँ, यही बजने वाला है, लेट हो गया है, तो इसी वजह से मैंने ज़्यादा नहीं भिगाया। अगर आप लोग इसे भिगाना चाहेंगे तो भिगा सकते हैं, उससे चावल और अच्छा बनता है। देखिए प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे उड़द दाल और चावल। देखिए हमने इसमें डाल दिया है, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें नमक, हल्दी, मिर्च वगैरह डाल देंगे। देखिए नमक, हल्दी, मिर्च वगैरह मैंने डाल दिया है, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसे फुल फ्लेम पे ही थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, ताकि जो इसमें पानी गया है ना चावल डालते समय, तो वो अच्छे से भून जाए। देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे, जितना आपके चावलों में पानी लगता है। उसके बाद सीटी लगा के बस बन के हमारी खिचड़ी तैयार। देखिए चावल हमारा अच्छे से भून चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे पानी। देखिए हम डाल देंगे पानी।
स्टेज में आप इसमें नमक मिर्च वगैरह टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें नमक मिर्च डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने नमक टेस्ट करा, मुझे थोड़ा सा कम लगा तो मैंने इसमें डाल दिया है नमक। नमक डाल के मैंने थोड़ा सा इसको मिक्स करके वापस मैं देखिए ढक्कन लगा के रख दिया है फुल फ्लेम पे। फुल फ्लेम पे भी हमें इसमें 3-4 सीटियां आने देनी है, बस फिर आपकी खिचड़ी बनके तैयार। बस चलिए थोड़ी देर में कर लेती हूँ आराम, उसके बाद मिलोगे आपसे थोड़ी देर बाद। चलिए तब तक के लिए बाय। हेलो गाइस, देखिए आगे वीडियो में आपने देख लिया होगा मैंने बताया था मम्मी का फर्स्ट है, तो देखिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ भिंडी, जीरे वाली भिंडी और इसमें मैंने चढ़ा रखा है मटर। आज मटर पनीर बन रहा है, मसाला उतर के मैंने मटर में एक सीटी लगा ली है। अगर मैं इसमें पनीर भी डाल देना तो पनीर रबड़ की तरह हो जाता है ना अजीब सा, इसी वजह से पहले मैं इस... उसके बाद ही मैं पनीर डालूंगी। और मैं यहाँ पर गर्म कर रही हूँ बच्चों का दूध। और ये देखिए ये है पनीर, ये पनीर मैंने घर पे बना रखा है, बना के रखा है मतलब बन गया। जैसे सुबह इसके पापा लाए थे दूध, 1.5 किलो दूध में इतना पनीर बना है। देखिए पापा लाए थे दूध, दूध फट गया तो मैंने कहा पनीर ही बना देती हूँ। फिर मैंने कहा मम्मी का व्रत भी है शाम को, उस समय में मटर पनीर बना लूँगी। फिर मैंने इसके पापा से एक पैकेट मटर मंगाया, देखिए अच्छा खासा पनीर बना है, इतना अच्छा टेस्ट है ना इसका, ऐसा टेस्ट बाजार का कभी पनीर का नहीं आता है जितना अच्छा इसका टेस्ट है। जो जिसमें पनीर बनता है ना सांचा, वो हमारे पास नहीं है, तो ऐसे ही मैंने कटोरी में दबा के रखा है, थोड़ा सा चूरा चूरा टाइप का हो गया है, नहीं तो इसका टेस्ट लाजवाब है, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट है। एक सीटी फुल में आ गई, मैं इसकी आज कर दूंगी कम, थोड़ी देर दो सीटी और आने दूंगी इसमें, ये बन के तैयार। थोड़ी देर में भिंडी भी तैयार हो जाएगी। और मुझे जाना है अपने यहाँ सिलाई वाले कपड़े लेने, मैं आपको बता रही थी ना पिछले बार आपने वाला ब्लॉग देखा होगा जो मैं अपने कपड़े दे के आई थी टेलर के पास, आज जाना है लेने। इसके पापा को मैंने बता दिया था, तो देखिए अभी जाऊंगी मैं, इसके पापा ने गाड़ी बाहर ही रखी है, मैं जाऊंगी कपड़े लेने, बच्चों को भी लेके जाऊंगी। थोड़ी देर बच्चों का भी हो जाता है ना मन कौन सा बाहर उतरना है, गाड़ी में तो बैठना है। अभी मैं दे देती हूँ फटाफट से बच्चों को दूध, इसके पापा आके नहाने गए हैं ऊपर, और फिर मिलूँगी अभी आप लोगों से थोड़ी देर बाद, जब जाएँगे फिर दिखाऊँगी मैं आपको, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय। ये देखिए अब मैं पिला दूँगी यस्सू को दूध, आओ आओ दूध पियोगे। देखिए इसने सोफे की क्या हालत कर रखी है, सारा कवर नीचे फेंक रखा है सोफे का। और ये चिप्स लाए थे इसके पापा, सारे चिप्स जमीन में गिरा के प्लेटों में खाली करके खा रहे थे, प्लेटें कैसे फेंके। ये क्या करा, किसने किया ये, किसने क्यों करा, फिर दीदी ने करा, अभी मारती हूँ दीदी को। आओ फिर दूध पियोगे, आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दूध कौन पिएगा, ना कौन पिएगा, कौन मम्मा घुम्मी घुम्मी जा रही, आएगा घुम्मी घुम्मी मेरा बाबू, पापा पापा के साथ गाड़ी में, कैसे चलाते हैं पापा गाड़ी, कैसे ऐसे चलाते हैं, अच्छा चलो तू डांस करके दिखा दो एक बार, अच्छा। और वो नाम क्या है तुम्हारा, यहाँ बोलो क्या नाम है, और कितने साल के हो तुम, ढाई। किसके घर गए थे, ये कपड़े किसने बनाए, ये कपड़े किसने बनाए, इधर आ यहाँ पर आओ पहले, ये कपड़े किसने बनाए जो आपने पहने हैं, ये किसने बनाया, ये मामा, मामा ने बनाया, कौन लाया ये कपड़े, मामा, मामा लाए, अच्छा कौन से मामा लाए, बड़े वाले मामा, अच्छा अच्छा थैंक यू बोलो फिर, थैंक यू बोलो, ओ बाप रे, चलो फिर आओ दूध पियोगे आप, चलो चलो बाय कर दो सबको। देखिए गाइस यसु बिल्कुल भी दूध नहीं पी रहा है, थोड़ा सा दूध पिया था
थोड़ा सा क्या, एक चम्मच दो चम्मच के बराबर। आजकल 4-5 दिन हो गए हैं ये बिल्कुल भी दूध नहीं पी रहा है, ना रात को ना शाम को और ना ही सुबह। सुबह पीता है जरा सा, 2-4 घूंट बस, उस समय भी छोड़ देता है। पता नहीं किसी समय करते होंगे ना बच्चे ऐसा, अगर किसी के बच्चे ऐसा करते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये तो बहुत तंग कर रहा है आजकल दूध पीने के लिए। यस्सू आओ दूध पियोगे? क्यों आओ? फिर मम्मा नहीं ले जाएगी गुम्मी? गुम्मी दीदी को ले जाएगी मम्मा, यस्सू को नहीं ले जाएगी? नहीं। हेलो दोस्तों, देखिए हम आ गए थे घर, उसके बाद हम लोगों ने खाया भुट्टा। भुट्टा खाने के बाद देखिए यहाँ पे मम्मी की बर्थ की थाली मैंने लगा दी है। ये बनाया था मैंने मटर पनीर। ये देखिए घर का पनीर है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा चूरा चूरा टाइप का हो गया था। ये दही और ये रोटी, ये भिंडी की सब्जी अब मैं देती हूँ मम्मी को। चलिए अब मैं मम्मी को दूंगी गरम गरम रोटी, फिर मिलूंगी आपसे थोड़ी देर में। देखिए हम गए थे टेलर के पास, लेकिन उसने कपड़े सिले ही नहीं थे। अब मैं जाऊंगी संडे को, फिर दिखाऊंगी आपको कि मैं उसने कैसे कपड़े सिले हैं। मैंने कोई नए टेलर के पास दिया है ना। यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।